सारे सेंसर हो गए इसकी बत्ती जली पड़ी है अभी लेकिन एक ही चीज़ बोलूंगा कि आदमी टॉप मॉडल ना लेके बीच वाला मॉडल ले ले इन सेंसरों से बच जाएगा टाटा से तो नहीं होती टाटा महिंद्रा इनसे मैं मानता नहीं कि ये ठीक कर देंगे ये तीनों मोड ऑन है इसके हाँ, तीनों मोड ऑन है पे एक ये, साथ ये कोई सा भी वर्किंग नहीं है जैसे ये इसका स्पोर्ट्स मोड ईगो मोड ये कुछ वर्किंग नहीं है ये दोनों सेंसर की लाइट ड्राइविंग कंट्रोल सिस्टम फॉल्ट तो एक से ऊपर जा ही नहीं रही गाड़ी मतलब आपने खूब कोशिश कर ली पूरी नहीं? में भी करके देख लिया, और फिर इसे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं टाटा सफारी के ओनर से और ये टाटा सफारी का टॉप वेरिएंट है एक्सजेड ऑटोमेटिक डार्क एडिशन जो कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के अंदर है क्योंकि डार्क एडिशन और काफी ज्यादा प्यारी भी लगती है गाड़ी ओनर ने गाड़ी खरीदी है लगभग हो चुकी है आठ नौ महीने पुरानी और अभी तक चला चुके हैं इस गाड़ी को ग्यारह हजार किलोमीटर अब इस वीडियो में हम उनसे जानेंगे कि टाटा सफारी खरीदने से पहले उन्होंने इस सेगमेंट में कौन कौन सी गाड़ियां देखी उनको क्यों रिजेक्ट किया और इसको खरीदने के बाद वो कितने ज़्यादा सेटिस्फाई है या नहीं है आफ्टर सेल सर्विस जो है गाड़ी की वो कैसी है गाड़ी की परफॉर्मेंस माइलेज स्टेबिलिटी सारी बातें डिटेल में जानेंगे ताकि जब आप इस रिव्यू को देखें तो देखने के बाद आपकी भी समझ में आए कि एक बंदा जब किसी गाड़ी को खरीदता है तो क्या क्या चीज़ें देखता है और फिर

तो मुझे तो स्कॉर्पियो क्योंकि हम पहले से स्कॉर्पियो चलाते आ रहे थे स्कॉर्पियो गाड़ी पसंद भी थी और वैसे अच्छी गाड़ी है परफॉर्मेंस ऑफ रोड भी बहुत अच्छी है उसकी सब कुछ हाँ। तो ये गाड़ी मेरे भतीजे को पसंद थी आपको, पसंद नहीं थी।, है? आपको पसंद नहीं थी मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं थी अच्छा क्योंकि स्कॉर्पियो को हम पहले से हमने पहले भी हम पे दो स्कॉर्पियो रह चुकी हैं तो उसका मन ज़्यादा था आपका मन था वैसे बहुत अच्छी थी, थी और इनोवा क्रिस्टा भी हमने देखी थी लेकिन वो थोड़ा हो गई जैसे ड्राइविंग के ड्राइवर टाइप की मेरा कोई वो चलाया उसके लिए मतलब आपको ऐसी गाड़ी चाहिए हाँ, जिसको, आप जिसको चला हम, हम खुद चला सके कभी हमारी ऐसी उम्र भी नहीं है कि हम जो है लगनी चाहिए गाड़ी भी हाँ भाई तो मेरे भतीजे को बहुत पसंद थी ये गाड़ी ठीक है तो फिर हमारा फिर लास्ट में हमारा ये हुआ कि हमको ये गाड़ी पे हम इस गाड़ी पे चले गए थे तो उस टाइम पे ये ऑन रोड कितने की आई थी ये हमें ट्वेंटी अप्रोक्सी पड़ी थी मतलब थोड़ा बहुत शोरूम से हम अपना कुछ इसमें ये जैसे हमने लगवाए थे इसके थोड़ी एसेसरी वगैरह लगवाई थी और ये सब के तो उसके हिसाब से फिर ये ठीक है तो अभी जैसे आपने ग्यारह हजार किलोमीटर इस गाड़ी को चला दिया है तो पहले आप स्कॉर्पियो चला रहे थे फिर आप अब सफारी चला रहे हो तो चलाने में आपको क्या डिफरेंस फील होता है स्कॉर्पियो का देखो अलग ही है स्कॉर्पियो को तो आप जो चलाते हैं स्कॉर्पियो को उन्हें पता है स्कॉर्पियो का तो एक अलग ही लेवल पे है चलाने का और सफारी का इसका थोड़ा लग्जरी टाइप से हो रही है ये अंदर से बैठ के थोड़ा मतलब प्रीमियम सा महसूस होता है इसमें मतलब तो दोनों का अलग ही मजा है स्कॉर्पियो का अपना अलग है इसका सफारी का अपना अलग वो है तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी है स्कॉर्पियो के मुकाबले तो काफ़ी स्टेबल है ये हाँ इसमें थोड़ा है इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है इस गाड़ी की और परफॉर्मेंस अभी अभी ऑटोमेटिक में हमारी वो मैनुअल है लेकिन ऑटोमेटिक में थोड़ी इसकी परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है और इसका स्पेस इस मैनेजमेंट कैसा लगता है आपको सेवन सीटर गाड़ी है जैसे स्पेस इसमें जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड रो तक तो आप ये मान लो अच्छा स्पेस है लेकिन थर्ड रो जो है वो वही है वो चाइल्ड के लिए बच्चों के लिए उस टाइप से अडल्ट नहीं बैठ अडल्ट का नहीं बड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन फिर भी सभी गाड़ियों में गाड़े स्पेस है कोई इतना है नहीं कि सभी एक एक बराबर उस आती है है ठीक लेकिन टाटा ने काफी वो करा है इसको अंदर मतलब गाड़िया बढ़िया है, गाड़ी, है गाड़ी में कोई और जो इसका अंदर ए है उसकी ए की कूलिंग कैसी है कूलिंग इसकी अच्छी है एसी की ए में कोई डाउट नहीं है अभी तो जैसे हमने अब ली थी अब गर्मी शुरू हुआ है तो अब ये देखेंगे मई जून में फिर में क्या रहती है इसका परफॉर्मेंस कूलिंग का तो अब पता लगेगा अभी तो तो

तो जर्क फील होता है या स्मूथ है गेयर बॉक्स स्मूथ है जर्क। स्मूथ है। हाँ। बॉक्स में कोई शिकायत गेयर बॉक्स में और उसमें ब्रेकिंग वगैरह कैसी है ब्रेकिंग अच्छी है ब्रेकिंग में कोई नहीं। मतलब चलाने में कोई कमी महसूस? चलाने में कोई दिक्कत नहीं है चलाने में बहुत बढ़िया ठीक है और जो टर्निंग रेडियस है इसकी टर्निंग थोड़ी स्कॉर्पियो जिसके अगर मुकाबले में बात करें तो उससे तो कम है इसकी इतनी नहीं है स्कॉर्पियो तो की फिर भी टर्निंग रेडियस ज्यादा है बस बस आप उसे वो थोड़ी है, ये कह सकते हो उसका थोड़ा ज्यादा जैसे ब्लैक कलर में आपने गाड़ी ली है बारे में कुछ कहना चाहोगे ब्लैक कलर तो जी सफाई आप इसे चलाने से पहले साफ करो खड़ी करके फिर साफ करो दो तीन बार साफ कर दो तीन बार करनी पड़ती है लेकिन ब्लैक का अलग मजा जी ब्लैक ब्लैक ही है। ब्लैक अप चलती है सड़क पे तो मतलब एक है बस। टशन है ब्लैक अपनी। है। है। की अपनी, ठीक है। हेडलाइट की परफॉर्मेंस कैसी है हेडलाइट की इसकी थोड़ी लो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं लगी हेडलाइट की हमें इसकी जबकि टॉप मॉडल है जबकि टॉप मॉडल है बल्कि हमने इसमें साइड के लैंप ये लाइट बदलवाई थी एक आफ्टर मार्केट ली थी ये क्योंकि लाइट्स की लो हाई बीम और लो बीम बहुत ही स्लो है मतलब कुछ ना तो ज़्यादा चेंज कराई वो हमें वो करवानी पड़ी क्योंकि रात में थोड़ी प्रॉब्लम थी इससे ठीक है अब ये बताओ जैसे आपने ग्यारह हज़ार किलोमीटर चला दी जी तो इस दौरान आपको आइडिया हो गया होगा कि माइलेज कितना है गाड़ी का माइलेज अगर आप इसको मतलब एट्टी नाइनटी अपना मतलब नॉर्मल उस पर आप एक उस पर चलाओगे तो मैं तेरह बारह तेरह बारह तेरह चौदह का ऐसे। एटी नाइनटी की स्पीड पे आ, अगर आप इसको मतलब रफ चलाओगे तो वही दस ग्यारह का एवरेज है ग्यारह तो एवरेज तो अच्छा है मतलब एवरेज ठीक है मतलब इस इतनी बड़े उस गाड़ी के लिए एवरेज ठीक है स्कॉर्पियो का भी यही एवरेज है थोड़ा बहुत उसका अप एंड डाउन हो जाता है लेकिन एवरेज ये है

मैं तो ने तो वन थर्टी फोर्टी प्लस तक ही मैं लेके गया हूं। तो स्टेबल फील होती है बढ़िया है मेरा भतीजा की है गई, वो ही ज्यादा इसको चलाता है तो गाड़ी में परफॉर्मेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी की बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है काफ़ी हुआ तो अभी हमारे साथ हैं गौरव भैया के भतीजे उदित भैया उदित भैया क्या हाल बढ़िया अमर तो बता मैं भी ठीक हूँ तो भैया ये बताओ जैसे आप गाड़ी ज्यादा चला रहे हो तो आपको क्या लगता है गाड़ी के बारे में गाड़ी के बारे में भाई एक ही चीज बोलूंगा मैं तो जैसे टॉप मॉडल है ये इसमें दुनिया भर के सेंसर है हाल फिलहाल में ये गाड़ी लग भी गई थी हमारी तो टोयटा और फोर्ड की तो टाटा टक्कर कर नहीं सकता अभी इंडिया में तो इसके जितने भी सेंसर है हिल असिस्ट है और वो है रफ रोड है वेट मोड है सारे सेंसरों गए इसकी बत्ती चली पड़ी है अभी फिलहाल और तो, गाड़ी आपने ले भी ली ले ली तो अब चलाएंगे इसे थोड़े दिन चलाएंगे दो तीन दो हजार किलोमीटर चलाएंगे जो कमियां फिर इसे लेके जाएंगे लेकिन एक ही चीज बोलूंगा कि आदमी टॉप मॉडल ना लेके बीच वाला मॉडल ले ले इन सेंसरों से बच जाएगा मतलब ये है कि ज्यादा टॉप मॉडल की तरफ को भी अगर भंगे तो उसके लिए तैयार रहे तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि डीलरशिप से इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है टाटा से तो नहीं होती टाटा महिंद्रा इनसे मैं मानता नहीं कि ये ठीक कर देंगे आप कह रहे हो कि टाटा इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियाँ तो दे रहा है अभी सफारी के अंदर एडास भी आ चुका है तो सक्सेसफुल होगा भाई अगर अडास में दिक्कत आ गई ना इस भारत में तो कोई होगा नहीं जो अडास का रडार ठीक कर देगा मैं मैं तो मानता नहीं मतलब टाटा टाटा की तरफ से किसी और ब्रांड में भी टाटा टाटा ये है कि बस एक बार लगवा ले, ले लो गाड़ी एक बार ले ली उसे बस उसे ठुकने मत दो अगर एक बार ठुक गई ना तो वो फिर जीवन भर दिक्कत ही करेगा तो एक बार हम आपको अंदर चल के दिखा भी देते हैं जो सेंसर्स की लाइट है तो दोस्तों इंटीरियर में आ चुके हैं और इंटीरियर में ही बात करेंगे कि जो सेंसर्स वगैरह हैं उनकी लाइट वगैरह नहीं जा रही है तो अभी आपको दिखाते हैं एक बार इग्निशन ऑन करके गाड़ी का तो ये देखिए आप ये तीनों मोड ऑन है इसके हाँ तीनों मोड ऑन है यहाँ पे एक ये, एक साथ। ये कोई सा भी वर्किंग नहीं है जैसे ये इसका स्पोर्ट्स मोड इको मोड ये कुछ वर्किंग नहीं है और अब इसमें देख लो ये इन दोनों सेंसर की लाइट ड्राइविंग कंट्रोल सिस्टम फॉल्ट तो ये कल ही आई है और अभी गाड़ी जो है वो मतलब ये है कि बस आप ले आए क्योंकि काम नहीं चल रहा था हाँ जी तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं गाड़ी की मतलब स्पेसिफिक टाटा ब्रांड की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं और टाटा ने तो गाड़ी अच्छी बनाई है लेकिन आफ्टर सेल सर्विस जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है सनरूफ वगैरह ठीक काम कर रही है सनरूफ ठीक है और अभी मैं जैसे जैसे हाईवे पे अभी चला के लाया तो शिफ्ट और 140 तो से ऊपर ही नहीं रही गाड़ी मतलब एक बार सारी इकट्ठी कर लो उसके बाद लेके जाऊंगा मैं फिर इसे तो दोस्तों ऐसा ही एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल अनबायस्ड होकर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है ताकि आप भी ये चीज देख सकें गाड़ी लेने से पहले कि क्या क्या पॉजिटिव है क्या क्या नेगेटिव है ये रिव्यू इसलिए बनाया गया ताकि आपको एक एक्चुअल अनबायस्ड रिव्यू यहाँ पे मिले तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अमर भाई तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपकी और भी कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच